हाय एवरीवन, स्वागत है आज एक और नए अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज जो अपन अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं वो मेरे पास है रियलमी C65 5G फोन। बात करते हैं इस फोन की रैम की। इस फोन में आपको 6 GB की रैम आती है, उसके साथ बात करते हैं रोम की। इसमें 128 GB का रोम है। और यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन में, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पैकिंग है फ्रंट में, इसका जो फ्रंट लुक है काफी हाईलाइट किया गया है। आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं यहाँ पे द फास्टर एंट्री लेवल 5G फोन। और यहाँ पे प्रोसेसर लिखा है वर्ल्ड नंबर वन मीडियाटेक D6300 चिपसेट लगा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सेगमेंट फर्स्ट 120Hz डिस्प्ले लिखी हुई है बजट के हिसाब से। और यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी एमएच की। इस फोन में आपको 5 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसको चार्ज करने के लिए कंपनी आपको 15 वाट का चार्जर देती है। और आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन के फीचर। दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके सामने रियलमी C65 5G जो बॉक्स का फ्रंट लुक है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और जैसे आप एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है द फास्टर एंट्री लेवल 5G। और बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की, आप देख पा रहे लिखा है वर्ल्ड नंबर वन मीडिया टेक D6300 चिपसेट लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ इसमें आपको मिलता है सेगमेंट का फर्स्ट 120Hz की डिस्प्ले है बजट के हिसाब से 5G, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे आपका फोन बना हुआ है, और इस साइड में ब्रांडिंग की गई है रियलमी C65 5G फोन। और उसके साथ आप देखेंगे बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर दिए गए हैं, मॉडल लिखा हुआ है, QR कोड लगा हुआ है। और उसके साथ आपको मिलता है 5G 6 nm का प्रोसेसर चिपसेट लगा हुआ है। अल्ट्रा स्लिम डिजाइन है फोन का, काफी स्लिम फोन बताया गया है बॉक्स के अंदर। और उसके साथ आप देख पा रहे हो डिस्प्ले, इसमें फुल डिस्प्ले दी गई है। और यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz की डिस्प्ले है। इसके डिस्प्ले साइज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले आती है। और बात करते हैं इस फोन की बैक कैमरे की, इस फोन में आपको 50 MP का A1 बैक। और बात करते हैं इस फोन के कलर की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फेदर ग्रीन कलर है इस फोन का। 6 GB की रैम है, 128 GB का रोम है, आपको देखने को मिलता है फोन का IMEI नंबर। और जो बॉक्स है इसको अभी मैं ओपन करने वाला हूँ, सील पैक बॉक्स है हमारा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन में सेंसर की। इस फोन में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। उसके साथ इस फोन में आपको देखने को मिलता है एक्सेलेरोमीटर सेंसर दिया गया, प्रॉक्सिमीटर सेंसर दिया गया, जायरो दिया, कंपास दिया गया है, जिस फोन में आपको सेंसर देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बॉक्स के अंदर आपको एक 15 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। उसके साथ इस बॉक्स के अंदर आपको 2 बुक्स दी गई है, और वहीं आपको एक केस मिलता है जो आपका सॉफ्ट कवर है। और उसके साथ आपको मिलती है एक सिम इजेक्ट पेन दी गई है, और यहाँ पे आपको एक सी टाइप की डाटा केबल दी गई है। और डिवाइस है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर। बात करते हैं इस फोन की बैक साइड की, तो आप देख पा रहे हैं जो इसका बैक कलर काफी अच्छा दिया गया है, आपको देखने को मिलता है। आप देख पा रहे हैं स्लिम फोन है। और यहाँ पे जो आपको कैमरा कटआउट मिलता है, आपको गोल कैमरा कटआउट दिया गया है। और इस फोन में आपको बैक में डबल कैमरा देखने को मिलता है। उसके साथ आपको मिलता है LED प्लस, और इस साइड में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है ये रहा। और इस यही आपकी पावर ऑन ऑफ की बटन है, अभी मैं फोन डिवाइस को ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम अप डाउन की बटन, और ऊपर की ओर आपको मिलता है एक माइक दिया गया है। और इस साइड में आपको सिम स्लॉट है, मैं सिम स्लॉट निकाल के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, इसमें आप एक बार में 2 सिम डाल सकते हैं या फिर एक सिम और एक SD कार्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। और जैसे हम नीचे को रहते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मिलता है 3.5 mm एयरफोन जैक, माइक होल, सी टाइप चार्जिंग जैक, साउंड जैक दिया गया है। और जो फोन है हमारा ये ऑन हो चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिवाइस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फुल डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें नीचे की ओर हम जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपको बेजल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं इस फोन की कैमरे की। इस फोन में आपको 50 MP का रियर कैमरा दिया गया है। उसके साथ बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे की। इस फोन में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मैं इसके फ्रंट और बैक कैमरे कुछ पिक्चर और वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन की कैमरा क्वालिटी की, तो आप देख पा रहे हैं ये इस फोन का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आपको। और उसके साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोन का बैक कैमरा है। उसके बैक कैमरा आपको नाइट का ऑप्शन दिया गया है, वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, उसके आपको फोटो का ऑप्शन मिलता है, वही आपको एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है ये रहा। मोर के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे प्रो, उसके साथ और भी बहुत सारे फीचर दिए गए। अभी मैंने इससे कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं फोन का बैक कैमरा। मेरा अभी आपका 3 पे जूम है, ये आपका 4x पे जूम है, और उसके साथ आपका 5, 6, 7, 8 आपका 9 फिर आपका 10 यहाँ पे आपको वीडियो में 10x का जूम मिलता है। और उसके साथ मैंने एक पिक्चर कैप्चर की, इसके बैक कैमरे से आप देख पा रहे फूल की पिक्चर है ये रही कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं, यहाँ पे आपका जूम पे लॉक लगा हुआ, आप यहाँ तक फुल जूम नहीं कर सकते, पिक्चर क्वालिटी कुछ इस तरीके से है। और उसके साथ
ये इसके बैक कैमरे से मैंने पिक्चर कैप्चर की है, अच्छे आम की फोटो है। और वही आप देख पा रहे हैं और ये आप देख पा रहे हैं फ्रंट कैमरा, और वही एक पिक्चर मैंने ये कैप्चर की है इस फोन के बैक कैमरे से। ये आपकी पोर्ट्रेट पिक्चर है, ये आप देख पा रहे हैं बिना पोर्ट्रेट किए, ये मेरे पोर्ट्रेट से पिक्चर कैप्चर की है। तो पिक्चर क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, ये भी इसका फ्रंट कैमरा है, पोर्ट्रेट मोड से पिक्चर कैप्चर हुई है, ये बिना पोर्ट्रेट से है। और वही दोस्तों हम बात करते हैं इस फोन के बैंड की, तो आपका जो फोन है 2G 3G 4G 5G बैंड पे आपका काम करता है। और यहाँ पे हम बात करने वाले इस फोन के वेट की, यहाँ पे आपको 193 ग्राम फोन का वेट देखने को मिलता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन की UI की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप सेटिंग के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं, मैं सेटिंग के ऊपर जैसे क्लिक किया और उसके जैसे आप जाएंगे लिखा हुआ अबाउट डिवाइस, तो यहाँ पे आप देख रहे मॉडल लिखा हुआ है और 5 mAh की बैटरी, रैम है, रैम इसमें प्लस भी हो जाती है, कैमरा बताया गया है। ये इस फोन का एंड्रॉइड वर्जन है, 14 दिया गया है। और वही बात करते हैं रियल मी के UI की, तो आपका 5.0 है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन की प्रोसेसर की, इस फोन में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity D6300 प्रोसेसर लगा हुआ, जिससे फोन की स्पीड बजट के हिसाब से काफी अच्छी देखने को मिलती है। और बात करते हैं इस फोन के CPU की, तो यहाँ पे आपको OctaCore 2.4 GHz का लगा हुआ है, जो आपका बात करते हैं GPU का तो आपको G57 का लगा हुआ है। और दोस्तों अभी जो फोन है इसको मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से आपकी चार्जिंग कर रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। और वही हम बात करते हैं इस फोन के कलर की, तो आपका जो फोन है दो कलर में आता है, इसका जो पहला कलर आपको देखने को मिलता है ये आपका फेदर ग्रीन कलर है, जो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है, कलर काफी अच्छा है, स्लिम फोन है आपको देखने को मिलता है। और वही बात करते हैं इसके दूसरे कलर की, तो आपका इसका दूसरा कलर आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है। और बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको 120Hz की डिस्प्ले आती है, जो अगर बात करते हैं डिस्प्ले साइज की तो आपका 6.6 इंच की डिस्प्ले है। और वहीं इसमें आपको बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो आपका 85.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। और आपको फोन लुक वाइज प्राइस वाइज अगर आपको फोन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको Realme C65 5G फोन की वीडियो अच्छी लगी, बात करते हैं इस फोन के कलर की, उसके साथ बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, तो जो फोन है आपका 12,499 रुपए की रेंज में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, फोन का लुक अच्छा लगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।